तो भाई डीसी की अपकमिंग मूवी फ्लैश होने वाली है, जो कि बेस्ड है इसी नाम की कॉमिक्स पे, द फ्लैश पॉइंट। बट द फ्लैश पॉइंट की कॉमिक का अडेप्टेशन एक एनिमेटेड मूवी में ऑलरेडी हो चुका है, जिसका नाम है जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। अब जिन्होंने ये एनिमेटेड मूवी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई जाकर देखो। इसमें वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच वॉर भी दिखाई गई है, और मूवी की स्टोरी वही है, बैरी एलन अपनी मॉम को सेव करता है, जिसके कारण पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है, और अब उसके पास इस यूनिवर्स में पावर्स नहीं है, और भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि बैटमैन ब्रूस वेन नहीं, ब्रूस वेन के डैड थॉमस वेन हैं। और भाई इसमें बहुत डार्क मोमेंट्स हैं, जैसे कि वंडर वुमन एक्वामैन की वाइफ मेरा के साथ जो करती है वो तो भाई एकदम खतरनाक, जिसके कारण वॉर हो रही है। और मूवी का मेन विलन रिवर्स फ्लैश, भाई इसको सिर्फ फ्लैश की लाइफ बर्बाद करने से मतलब है, इसको अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं है। मूवी में कई ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसमें फ्लैश मरने वाला होता है, जिसके साथ रिवर्स फ्लैश भी मरेगा और भी कई लोग, बट रिवर्स फ्लैश को अपनी लाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। इसके अलावा मूवी में जस्टिस लीग के मेंबर साइबोर्ग, शज़ैम फैमिली और भी अदर्स मेंबर्स को दिखाया गया है। और वंडर वुमन इस मूवी में बिल्कुल सालिम है, किसी को नहीं छोड़ रही है, जो भी रास्ते में आ रहा है सीधा मार रही है। और जैसे फ्लैश के ट्रेलर में फ्लैश और बैटमैन सुपर गर्ल को बचाने जा रहे हैं, ऐसे ही इस मूवी में वो सुपरमैन को बचाने जाते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी से। मूवी भले ही एनिमेटेड हो पर मूवी को देखने में मजा आता है। मूवी की लेंथ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे 21 मिनट की मूवी है। मूवी में खून खराबा बहुत है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये मूवी देखना। बाकी अगर फ्लैश मूवी का वेट नहीं कर पा रहे हो और छोटे लेवल पे फ्लैश देखनी है तो ये मूवी आपके लिए है, जाकर देखो और इंजॉय करो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।